करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे लालू यादव की, जिनकी नींद बेटे तेज प्रताप और बहू ऐश्वर्या के बीच की कलह ने उड़ा रखी है। लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, रिम्स में उनका इलाज भी चल रहा है और लालू यादव के डॉक्टर ने कहा कि घर की कलह की वजह से लालू सो नहीं पा रहे हैं। जी, डॉक्टर ने कहा कि लालू यादव पिछले 24 घंटे में 6 घंटे भी नहीं सो पाए हैं। डॉक्टरों ने लालू को चिंता छोड़कर दिन में भी थोड़ा नींद लेने की सलाह दे दी है, तो लालू यादव की सेहत थोड़ी नासाज होती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि वो 14-15 किस्म की बीमारियों से ग्रसित है और उनका किडनी 50% काम कर रहा है और ऐसी स्थिति में शुगर की बहुत सारी दवाएं नहीं दी जाती और हम लोग इंसुलिन दे रहे हैं और इंसुलिन का जो उनका रिक्वायरमेंट है काफी हेवी डोज में चल रहा है, 80 यूनिट 90 यूनिट ऐसे करके प्रतिदिन चल रहा है। शिव पूजन झा इस खबर पर हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, लालू यादव की नींदें उड़ा दी हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड भी था, तेज प्रताप का जो पीछे ऐश्वर्या के साथ जो झगड़ा चल रहा है, घर की कलह बाहर आ गई है, तो अपने मैले कपड़े जब सड़क पे धुलेंगे तो नींदें तोड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि नींद तो उड़नी ही थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि तकरीबन 50% लालू प्रसाद यादव की किडनी खराब है, इसके पहले शुगर के मरीज रह ही चुके थे, उनका रक्तचाप भी हर वक्त बढ़ा हुआ रहता है और इसी वजह से अनिद्रा के शिकार हैं लालू प्रसाद यादव। डॉक्टर्स लगातार उनको रूम्स में एग्जामिन कर रहे हैं, चूंकि सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव, लेकिन डॉक्टर भी उनको यही एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में भी कम से कम वो सही तरीके से सो लें। अगर सोएंगे नहीं तो बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, दोनों भाइयों के बीच में जिस तरीके से सिर्फ फुटोवल की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से ऐश्वर्या को लेकर के आमादा है कि तेज प्रताप उन्हें हम किसी भी कीमत पर डिवोर्स दे करके ही रहेंगे, लालू प्रसाद यादव या रबड़ी देवी कोई नहीं चाहती कि इस मामले में डिवोर्स हो, क्योंकि हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि जब शादी हुई थी इनकी तो शादी बहुत धूमधाम से की गई थी, दो सियासी बड़े परिवारों के बीच का ये मिलन था। कहीं ना कहीं असहज खुद को महसूस कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, बड़े बेटे को समझाने की काफी कोशिश की थी लेकिन बड़े बेटे ने उनसे मुलाकात तो जरूर की, मुलाकात के ठीक बाद उन्होंने कह दिया कि वो डिवोर्स जो फाइल किया है उन्होंने पिटीशन वो वापस नहीं लेंगे और उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव नदारद है। दो दिन पहले वो मथुरा पहुंचे थे, मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की थी, इसके पहले वो बनारस पहुंचे थे, वहां पर भी विष्णु मंदिर गए हुए थे। इस तरीके से लगातार तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और परिवार के किसी भी व्यक्ति के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पहला उनका रिएक्शन आया था, पहले ही उनका बयान आया था इसे लेकर, तब भी स्थिति उनका स्टैंड काफी हद तक क्लियर हो गया था। लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी उससे बिगड़ रही है, राबड़ी देवी की भी तबीयत खराब होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।